कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इतने दिनों के बाद आज मैं फिर से व्लॉग में आ गई हूँ। एंड सो आज का व्लॉग में जो है, मैं रात के 4 बजे शूट कर रही हूँ, बिकॉज कल मुहर्रम का रोज़ा रखना है। तो इसलिए हम सब लोग नहीं, मेरी बहनें और मैं और मेरी कज़नें उठी हुई हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ा रखना है। सो इसलिए हम लोग बैठ के थोड़ी सी सहरी कुछ खा लेते हैं, फिर रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह कल। सो फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। इस वक्त बज रहे रात के 4 और बाहर जो है बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और अभी हम लोग जा रहे सहरी बनाने। सो यहाँ पे हम लोग जो है रात की रोटी है कड़ी थी, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है हलीम पड़े थे रात के, वो भी गर्म करके हम लोग खा रहे, क्योंकि यही सब ये घर पे रखा है, तो यही सब हम लोग खा रहे हैं बैठ के। सहरी जो है वो रेडी हो चुकी है। एंड मैं, मेरा भाई और मेरी छोटी सी बहनें, दो वो रोज़ा रखती हैं, और बाकी मेरी कज़न रख रही है, बाकी और कोई भी घर में रोज़ा नहीं रख रहा। अज़ान हो चुकी है और अभी मैं पढ़ी हूँ फजर की नमाज़, और फिर मैं सो जाऊँगी। इसलिए व्लॉग्स अभी ये एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं फिर सुबह के वक्त। सुबह बाय। और जब मैं नीचे, तो मैंने देखा 2 बजे मेरी आँख खुली, क्योंकि मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सोई थी, क्योंकि सहरी करनी थी इसलिए। और अभी मैं पढ़ी हूँ जोहर की नमाज़। कितने बजे? 2:30 पढ़ी जोहर की नमाज़। एंड अभी 3 बज रहे हैं, और अभी हम लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं, और फिर अफ्तारी की तैयारी भी करनी है, तो अभी तो बहुत जल्दी है, तो बाद में करें। फ्रेंड्स अभी जो है 5 बज चुके हैं, एंड अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा है, इतना ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, और बस थोड़ा सा ही टाइम रहता है, और अभी नमाज़ की तैयारी करेंगे असर की। सो फिर चलो तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स अभी जो है अफ्तारी की तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। एंड घर में आज कुछ भी नहीं बनाया, सो इसलिए कोई रेसिपी शेयर नहीं की, बस ये चाट मंगवाई थी जिसमें दही और थोड़ी से मसाले ऐड किए। और आप लोग तो जानते हो कि इस चीज़ के बगैर जो है वो अफ्तारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। एंड यहाँ पर जो है शरबत तो सबसे ज़्यादा जिसको दिल को सुकून मिलता है, एक ऐसी चीज़ है शरबत। और ये रात की हलीम थी जो बच्चों की थी, और मुझे हलीम से बहुत एडिक्शन है, तो मुझे 3 बार भी मिल जाए ना दिन में तो मैं खा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी हो चुकी है, और अब आप देखने माइलों की शरारतें। ये खुशी करने की कोशिश हो रही है माइलो की। माइलो बटन हो, पीछे हो जाओ। ये चेक करें 1 2 3 फ्रेंड्स अफ्तारी जो है वो मैंने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए खुद चाय। मैं बना सकती हूँ यार, मैं बना सकती हूँ, बस कभी कभी वो हो जाता है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ बना सकती हूँ। चीनी जो है वो मैंने ऐड कर ली है, और अभी मैं ऐड करूँगी इसमें, वेट दिखा रही हूँ ना, सबर करें, चाय पत्ती थोड़ी सी डालूँ। कड़क चाय ज़्यादा अच्छी होती है ना, तो ज़्यादा डालनी पड़ती है। और फ्रेंड्स इसको ये चाय को गर्म करने के लिए, गर्म नहीं कड़क करने के लिए, ये वाला टोटका ज़रूर रखना चाहिएगा। ये कभी ना कभी काम आ जाता है, कभी ना कभी नहीं आता, लेकिन इसको मस्ती बॉयल करने से मतलब ये कड़क हो जाता है कड़क। फाइनली बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद जो हमारी प्यारी सी बहुत यम्मी सी चाय जो है, कड़क चाय बन चुकी है। और ये मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई है, घर वाले अपने लिए खुद बनाते, क्योंकि मुझसे इतनी ज़्यादा चाय अच्छी नहीं बनती। और ये मेरी चाय जो है अब मैं खुद ही निकाल रही, मम्मा भी निकाल रही, क्योंकि ये शायद अगर मैंने खुद निकाल दी तो मैं जल जाऊँगी। अम्मी ने कहा कि तुम छोटी हो, मत निकाला करो।
इतनी मेहनत से मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और वो भी मेरी मम्मा ने कहा कि इसमें से थोड़ी सी मुझे दे दो। और वाट मतलब मैं एक फुल कप चाय इतनी सुकून से बना रही थी, मैंने कहा सुकून से बैठ के पीऊँगी, बट मेरी मम्मा ने वो उसमें से आधी चाय जो है वो ले ली। पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, मेरा दिल कर रहा था कि मैं चाय पर थोड़ा स्टोमो शूट करूँ, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था पता नहीं क्यों। रात के खाने में यहाँ पर बन जाए ये आलू फ्राई एंड यहाँ पर पुलाव बनेगा, जो अभी तक नहीं बना बन रहा है। रात के खाने में जो पुलाव है वो रेडी हो चुकी है और अभी 10 बज रहे हैं, क्योंकि मैंने अफ्तारी की थी तो दिल नहीं कर रहा था, तो अभी मैं 10 बजे खाना खा रही हूँ। ये मेरी कल वाली रात की स्टिंग पड़ी थी, सो मैंने रात के खाने के बाद फिर ये पी ली। फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है मैं यही पे एंड कर रही हूँ, एंड आज का इतने दिनों के बाद मैंने आज व्लॉग अपलोड किया, और उसके रीज़न ये था कि मेरे घर दादी की तबीयत ठीक नहीं है, एंड वो हमारे घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, मेरी इतनी सारी कज़नें सब लोग यहाँ पे रुक के गई हैं, और इतने सारे मेहमान होते हैं कि कुछ शूट ही नहीं हो पाता, और घर में बहुत से काम हो जाते हैं फिर। और एक और बात, मेरे सारे वीडियोज़ में कॉपीराइट लग रहे हैं, हालांकि अगर कुछ दो तीन वीडियोज़ होंगे ऐसे जिनमें साउंड ऐड किए मैंने गलती से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है, लेकिन मेरी कुछ वीडियोस में दो कॉपीराइट साउंड्स लगे हुए, लेकिन उस पर भी मेरे आ रहे हैं कॉपीराइट क्लेम। सो फ्रेंड इसी वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप लोग मुझे बस कमेंट में सेक्शन में ये बताना, अगर किसी को कोई आइडिया हो तो वो मुझे बता दे कि मैं ये इसका क्या करूँ। मैंने वीडियो के पास फीडबैक भी भेजा है एंड वो भी नहीं है, मतलब रिसीव कर रहे, बस थैंक यू उन्होंने लिखते बट वो रिसीव भी नहीं कर रहे, बट प्लीज़ मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मैं बहुत बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स व्लॉग जो है मैं वही यहीं पे एंड कर रही हूँ, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में वैसे भी बहुत हैं, सो कुछ नहीं होता। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।